तो यार काफ़ी लोगों ने कमेंट किया मेरी पिछली वीडियो पे कि नियॉन लाइट इफेक्ट आपने कैसे दिया गाइस, इसका एक ट्यूटोरियल बनाए। तो ये वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि नियॉन लाइट इफेक्ट, ग्लोविंग इफेक्ट आप कैसे देख सकते हो। और ये बहुत गाइस बहुत ज़्यादा इजी है, आप पूरी वीडियो देखना शुरू से एंड तक, तभी आप समझ पाओगे कि उसमें जो वाटर मार्क था वो भी कैसे हटाना। आपको कुछ भी एक पैसा नहीं लगेगा आपको और बहुत ज़्यादा ईजी है। तो गाइस वीडियो शुरू करते हैं। तो यार प्ले स्टोर में जाके आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन है स्क्रीबल ऐप, जो कि डाउनलोड करना पड़ेगा। इसी से अपन ये जो नियॉन लाइट ग्लोविंग इफेक्ट है वो इसी से देंगे। तो आपको ये वीडियो डाउनलोड करके सिंपली ओपन कर लेनी। ओपन करने के बाद जो ये प्लस का आइकन आ रहा ना, इस पर जाना। इस पर जाने के बाद वीडियो बेटा टेस्ट जो है ना नीचे तीसरे नंबर पर, उस पर जाना। ऊपर के दो छोड़ देना क्योंकि हमें वीडियो एडिट करनी। जब आप इस पर जाओगे तो कुछ आएगा, तो इसको ओके दबा के फिर आपको प्लस के आइकन पर जाना। ये सारी मैंने जो एडिट की थी वो थी। इसके बाद ऑल मीडिया आ जाएगी, जो भी आपको वीडियो लेनी है वो उस फोल्डर में जाके आप सिलेक्ट कर लेना। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप 10 मैक्सिमम इसमें 20 सेकंड से ऊपर की वीडियो नहीं ले सकते हो, 20 सेकंड से नीचे की आप ले सकते हो, चाहे कितनी भी बड़ी मतलब कितनी भी हो 20 सेकंड से नीचे। और 10 सेकंड से ऊपर लेते हो तो आपको प्रो वर्जन के लिए बोलता है कि प्रो वर्जन आप ले लो, तभी आप 10 सेकंड से ऊपर की वीडियो 10 से 20 सेकंड की वीडियो बना सकते हो। 10 सेकंड तक बिल्कुल फ्री है। तो गाइस अपने को प्रो वर्जन लेना ही नहीं है, हमें क्या करना, सिंपली उस पर सिलेक्ट करके 10 सेकंड से ऊपर की वीडियो पे प्रोसेस करना। फिर जब ये आ जाएगा फिर आपको राइट का निशान आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखो यू कैन इंपोर्ट है मैक्सिमम 10 सेकंड ऑफ द फ्री, इफ़ यू प्रेस कंटिन्यू ओनली फॉर, पहले 10 सेकंड की वीडियो आपकी हो जाएगी। उसके लिए अगर आपको 20 सेकंड की वीडियो लेनी है तो आपको प्रो वर्जन चाहिए या फिर वॉच वीडियो, यानी कि आप एक वीडियो देख लीजिए, एड देख लीजिए, एड आएगा उसके बाद क्या करना, एड आने के बाद आपकी वीडियो जो है ना वो 20 सेकंड के का जो लेंथ है ना वो ले लेगी। 20 सेकंड की वीडियो आप एडिट कर सकते हो आराम से, नियॉन लाइट इफेक्ट दे सकते हो। तो उसके बाद जब ऐड हो जाएगा तो मैं अपनी छोटी क्लिप ले लेता हूँ जो मुझे आपको दिखानी है। तो मैं आ जाता हूँ स्मूथ के में, फिर यहाँ से ये फाइल ले लेता हूँ, फिर इसे प्रोसेस करता हूँ। प्रोसेस करने के बाद जो एडिटिंग का जो भी है आप देख सकते हो। इसके बाद देखो जब मैं इसे ओके दबाऊंगा ना तो वर्किंग 240 फ्रेम में हो जाएगा, मतलब 240 इमेज बन जाएगी नीचे इसकी। जब ये अभी इंपोर्टिंग हो रहा है, इंपोर्ट होने दो। इंपोर्ट होने के बाद क्या होगा, जो नीचे जो फ्रेम आती है ना वो 240 मतलब फोटो मान लो एक तरह से उसके अंदर बढ़ जाएगी। उसके बाद आप एक एक इमेज सिलेक्ट करके आपको एडिट करना है। तो यार है तो बहुत ज़्यादा इजी, बहुत इजी, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी लोचा नहीं है, बस बात आती है टाइमिंग की और मेहनत की। तो यहाँ पर आने के बाद जो एरो के निशान पर जो एरो आ रहा है उसको जब आप टच करोगे तो एक ये ऐसा कुछ आ जाएगा। फिर आपको ये वाला खोल के ये जो साइज़ है ना इसको 9 कर लेनी है, बाकी आपके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। इसकी साइज़ 9 रखना, मैं तो यही यूज़ करता हूँ 9 में। और स्टाइल जो है इसे रेगुलर रखना, डोटेड मत करना, रेगुलर ही सही है, रेगुलर साइज सही होती है। इसके बाद आपको जो भी कलर लेना वो बाहर जाके ये जो येलो मार्क आ रहा ना, येलो वाला कलर इस पर सिलेक्ट करोगे और मोहर पर जाओगे तो यहाँ से आप कौन सा भी कलर लेना चाहो वो लेके आराम से इफेक्ट दे सकते हो कौन सा भी। को लेने के बाद फ़ोटो जूम करना। फ़ोटो जूम करने के बाद आपको एक एक फ्रेम लेनी, ये नीचे 1 2 3 जो आ रहा ना ये फ्रेम है, पहले आपको एक फ्रेम पे लाइन चलानी है। तो आप देख लीजिए मैं करके बताता हूँ, तो मैं भी आपको करके बताता हूँ, जल्दी होना यार। तो आप ये दीवार पे ये देख सकते हो, आप कहीं पर भी कुछ भी ऐड कर सकते हो, ज़रूरी नहीं, आपका क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, मेरा तो है नहीं बट फिर भी बता रहा हूँ मैं। तो आप देखो पहले फर्स्ट इमेज सिलेक्ट की, फर्स्ट फ्रेम सिलेक्ट की, लाइन दी, उसके बाद आप सेकंड फ्रेम सिलेक्ट करूँगा फिर सेकंड लाइन दूंगा, फिर मैं अब तीसरी फ्रेम सिलेक्ट करूँगा फिर एक लाइन दूंगा, ऐसे करते करते आपको बहुत सारा करना और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मेहनत है, ईजी है बट मेहनत है, टाइम लगेगा आपको। तो ऐसे कर करके आपको ये सब करना है, ऐसे ही करते रहना। तो आप थोड़ा देख लीजिए। Where'd you go?
तो यार आ जाते हैं इस वीडियो की एंडिंग की तरफ। तो यहाँ पे जब आप लास्ट इफेक्ट दे दोगे तो नीचे आप फ्रेम देख सकते हो, मेरी टोटल 240 फ्रेम थी और अभी चल रहा हूँ मैं 240 फ्रेम के पास ही। तो आप देख सकते हो 240 फ्रेम होने के बाद आप जब वीडियो एक बार देख लीजिए इफेक्ट कैसा लगा, आप देख सकते हो कैसा लग रहा, कहीं पे कुछ कमी हो तो वापस स्टॉप करके फ्रेम को आगे पीछे करके दूसरी लाइनिंग इफेक्ट भी दे सकते हो एक ही साथ बहुत सारे इफेक्ट। तो ये रिव्यू देखने के बाद जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो देखो यहाँ पे शो वाटर मार्क आ रहा, तो इस पर जो राइट है इस पर टच करना है, फिर अपने को सिर्फ वॉच वीडियो यानी कि एक और वीडियो देखनी है 30 सेकंड की, और ये वीडियो 30 सेकंड की ख़त्म होने के बाद तो जो भी ऐड आए उसे देखने के बाद आप यहाँ से एक्सपोर्ट करोगे तो पहले प्रिपेयरिंग होगी और उसके बाद फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी, फिर आप इसको जहाँ पर भी ऐड करना चाहिए जिस भी क्लिप के साथ जोड़ना चाहिए तो वहाँ पे जोड़ के काफ़ी इजीली इफेक्ट दे सकते हो। तो यार दोस्तों ये कुछ भी हार्ड नहीं है, सिंपल सी एक ऐप डाउनलोड करनी है, 10 से 20 सेकंड की क्लिप लेनी है, उसको एडिट करना है, बस टाइम लगेगा बट मेहनत नहीं है। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना कि नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एडिटिंग से रिलेटेड किस चीज़ के ऊपर बनाऊँ जो कि मैंने अपनी वीडियोज़ में दिए, आप कोई से भी वीडियो देख के बता सकते हो। तो गाइस इस वीडियो में यही तक के लिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।